गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर सेकंड सेम। टुडे लेक्चर विथ रिलेटेड टू द डिजीज ऑफ फील्ड एंड द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। सेकंड द टॉपिक ऑफ एंथ्रेक्नोज डिजीज ऑफ ग्रेप। The anthracnose disease of grapes, also known as bird eye disease of grapes, the anthracnose disease is a most important disease of grape vine. It is especially serious on new trees and generally there occurs in rainy seasons. Among various foliar diseases of grapevine in India, but the anthracnose has been longest spread over a period from June to October. The disease generally occurs in tropical and subtropical regions in India and out of India. So, आज के लेक्चर में जैसा कि मैं आप लोगों के बीच में चर्चा किया कि आज का जो लेक्चर टॉपिक है वो ग्रेप्स क्रॉप के अंतर्गत एंथ्रेक्नोज डिजीज। एंथ्रेक्नोज डिजीज को हम बर्ड आई डिजीज के नाम से भी जानते हैं और जो सामान्य रूप से नए क्रॉप में अधिकता से काज करता है और ये सामान्य रूप से रेनी सीजन में ये डिजीज आसानी से देखने को मिलते हैं, लेकिन ये डिजीज इंडिया में जहां जहां पे ग्रेप्स का कल्टीवेशन होता है वहां पे भी आसानी से देखने को मिलते हैं। इसके बाद आउट ऑफ इंडिया मीन्स आउट ऑफ वर्ल्ड, भारत के बाहर भी और कई देशों में ये डिजीज आसानी से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म द एंथ्रेक्नोज डिजीज ऑफ ग्रेप्स is caused by Yersinia pestilens. Yersinia pestilens. The Yersinia generally belonging in subregion Dendromycetina and produce asexual spore like conidia. The conidia survive in soil or plant propagating materials or plant pot during unfavorable environmental condition as a source of primary infectious inoculum. Nature of disease seed borne disease and the nature of pathogens, nature of pathogens, obligate parasite, obligate parasite.
इस डिजीज का जो नेचर होता है वो सीड बॉर्न नेचर का होता है, मींस सीड के द्वारा नहीं फैलता, लेकिन इसके जो प्लांट प्रोपेगेटिव मटेरियल्स मींस इसके ट्विग्स हैं, टहनियां हैं, पत्तियां हैं, इनके ऊपर सॉइल के अंदर एज ए माइसीलियम के रूप में इनका जो स्पोर होता है वो सर्वाइव रहता है और प्राइमरी इन्फेक्शन के रूप में डिजीज काज करता है। ऑब्लिगेट नेचर की डिजीज है, जैसा कि आप लोगों के बीच में कई बार मैं बताया हूँ ऑब्लिगेट नेचर का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, यू नो आप जानते हैं, आपको समझ में आया होगा ऑब्लिगेट पैरासाइट के बारे में। अगला टॉपिक है सिम्टम्स मीन्स लक्षण क्या है। सिम्टम्स द फर्स्ट सिम्टम्स विजिबल ऑन लीव्स स्टेम टेंड्रिल्स एंड द पेरिस देन यंग शूट एंड द फ्रूट आर मोर ससेप्टिबल देन लीव्स। द सिम्टम्स कैरेक्टराइज बाई सर्कुलर ग्रेस ब्लैक स्पॉट और रेड स्पॉट विथ येलो होलो अपीयरेंस। Later, the center of the spot become grey, sunken and the fall off resulting in a symptoms called short hole. Then, the black sunken lesion appear on young shoot. The cancerous lesion on old shoot the girdling and the depth of shoot occurs. The infection on the stalk of bunches and berries result in shedding of bunches and berries respectively. The sunken spot with ashy gray center and a dark margin on foot. The margin of fruit appear on the surface of fruit. They are also called bird eye symptoms. It warm and wet weather pinkish spot mass develop in the center of the spot. Mummification and the shedding of berries. Then सिम्टम्स को आप हम हिंदी में भी समझ लेंगे कि सबसे पहले पहला लक्षण जो प्लांट है, प्लांट के लीफ पे, स्टेम पे, इसके टहनियों पे और इसके फ्रूट पे आता है। बाद में यंग शूट और फ्रूट जो कि लीफ के कंपैरिजन में ज्यादा ससेप्टिबल होता है, मीन्स ये हुआ कि लीफ के कंपैरिजन में इनका सूप मींस टहनिया और इनका फ्रूट मींस फल पे ज्यादा बीमारी आता है। और ये सिम्टम सर्कुलर मींस गोलाकार ग्रेस ब्लैक स्पॉट भूरा काला स्पॉट के रूप में या रेड स्पॉट लाल स्पॉट के रूप में लीफ पर होलो मार्जिन लिए हुए आता है। और ये जो होलो मार्जिन के उपरांत वो इन्फेक्टेड पार्ट क्रैक कर जाता है तो इस होलो अपीयरेंस को हम शॉर्ट होल के नाम से जानते हैं। देन जो इन्फेक्शन इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ प्लांट होता है बाद में सनकेन लीजन अपीयर्स होता है यंग शूट पर। सनकेन लीजन्स मींस होता है सनबर्न अपीयरेंस। कैंकरस लीजन ऑल ओल्डरली
जो पुराने पेड़ की तना होता है उसमें कैंकरस लीजन के रूप में सिम्टम दिखाई देता है। कैंकरस मीन्स उसके जो बार्क होते हैं वो बार्क टूट करके या क्रेक होकर के बाहर की तरफ फाल कर जाते हैं, जिसके वजह से इन्फेक्शियस ओल्डर सूट जो होता है वो डेथ कर जाता है। इसके बाद स्टाफ पे, इसके टहनियों पे और इसके फूट पे भी ये सिम्टम बहुत गहन रूप में आता है और संकेत स्पॉट जो मार्जिन के रूप में, छोटे छोटे मार्जिन के रूप में जब फूट पे या बहरीस पे आता है तो ये संकेत स्पॉट को हम बर्ड आई के नाम से भी जानते हैं या बर्ड आई सिम्टम के नाम से जानते हैं। ये इसका मेजर सिम्टम्स या लक्षण कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स हेतु की। द माइसीलियम ऑफ द फंगस इज सेप्टेड branch hyaline in initial stage but later stage brown to black in colors. They are generally germinate inside the host cell or tissue. After some time the mycelium produce chondrophore. The chondrophore are erect and cylindrical in shape and brown to black in colors. The conidia produce at the tip of conidiophore. They are elongated to oval in shape and septate. The conidia also known as secondary infectious inoculum because they are spread through the external agency and get on healthy crop, then cause secondary disease infection, so called secondary sporulation. अब हेतुकी को हम हिंदी में समझेंगे कि जो एल्सिनॉय एंपिलिनिया के द्वारा ये जो एंथ्रेक्नोज ऑफ ग्रेपवाइन डिजीज का आज किया जाता है, इसमें जो माइसीलियम होते हैं सेप्टेट होते हैं, ब्रांच शाखान्वित होते हैं, एमसीएल प्रारंभिक अवस्था में ये कलरलेस होते हैं, बाद की अवस्था में ब्राउन कलर हो जाते हैं। इसके बाद ये जो इनके ऊपर कोरियोफोर बनता है, कोरियोफोर रिसेप्टर ऑफ माइसीलियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद कोरियोफोर के ऊपर कोरिडिया बनता है, कोरिडिया लंबा बार होता है, ऊपर पॉइंटेड होता है, सेप्टेट होता है, मीन सेप्टा प्रेजेंट होता है, दो से तीन सेप्टा या वन सेप्टा दिखाए जाते हैं। और ये कोरिडिया सॉयल सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में काम करता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन रूप में क्लोडिया किसी एक्सटर्नल एजेंसी या बाहरी माध्यम या बाह्य कारक के द्वारा फैलता है। इसमें हवा, पानी और बर्ड वगैरह इन्वॉल्व होते हैं जिनके द्वारा ये हेल्दी क्रॉप पे पहुंच करके फिर से इन्फेक्शन काज करता है और ये इन्फेक्शन इस तरीके से सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल कहलाता है। और ये सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल कंटिन्यू चलता है जब तक होस्ट अवेलेबल होता है फील्ड के अंदर। इस तरीके से एटियोलॉजी इज कंप्लीट। देन है डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल
बीमारी का चक्र, जीवन चक्र। डिजीज साइकिल में प्राइमरी सर्वाइवल इनोकुलम के रूप में माइसीलियम काम करता है। माइसीलियम एंड सेकेंडरी सर्वाइवल इनोकुलम के रूप में कोनिडिया काम करता है। द कोनिडिया डिसमिनेट थ्रू विंड वाटर और बर्ड देन डिजीज साइकिल स्टार्ट एक्टिव फेज एंड पैसिव फेज। पैसिव फेज में माइसीलियम सॉइल के अंदर प्लांट डेब्रिस से सर्वाइव होता है। जैसे ही सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है माइसीलियम एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद वो सरफेस पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद जर्मिनेशन करता है। जर्मिनेशन के बाद फिर इन्फेक्शन काज करता है। इन्फेक्शन काज करने के बाद ही सक्सेसफुल सिम्टम दिखाई देता है। सिम्टम के बाद फिर उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद माइसीलियम बनाते हैं। माइसीलियम के ऊपर कुंडियोफोर बनता है। कुंडियोफोर के ऊपर कुंडिया बनता है। ये कुंडिया फिर बाह्य कारक मीन्स एक्सटर्नल एजेंसी विंड वाटर के द्वारा हेल्दी होस्ट पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद फिर वो जर्मिनेशन करता है। जर्मिनेशन के बाद जर्म ट्यूब डेवलप करता है। फिर ये इन्फेक्शन काज करता है। तो इस तरह कुंडिया का इसे एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा पहुंच करके जर्मिनेशन फिर जर्म ट्यूब के द्वारा इन्फेक्शन काज करना ये सेकेंडरी डिजीज इन्फेक्शन कहलाता है। और फर्स्ट टाइम जब माइसीलियम सर्वाइव ग्रोथ करके फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन काज करता है इसको प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। और इस तरीके से सेकेंडरी इन्फेक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे ही होस्ट की हार्वेस्टिंग स्टेज आता है फिर माइसीलियम सॉइल के अंदर प्लांट डेब्रिस से सर्वाइव हो जाता है। देन कंप्लीट डिजीज साइकिल। अगला टॉपिक है प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स और एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन मीन्स ये हुआ कि डिजीज कास्ट करने के लिए एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए। एनवायरमेंट में फिजिकल फैक्टर्स कैसे कैसा होना चाहिए। इसके लिए द फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन in which warm and wet weather condition is suitable to the spreading of anthracnose disease of rats, then low laying and badly drained soil and Arnab-e-Shahi is a susceptible variety of grain means warm or wet मौसम इसके लिए suitable होता है disease pass करने के लिए, जिसमें drainage की facility जिस field में नहीं होता वहाँ पे इसमें वो इस disease को pass करने संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ये Arnab-e-Shahi एक वैरायटी है। ये इस वैरायटी में बहुत ज़्यादा ये डिजीज काज किया जाता है। इस तरीके से बात करें तो इसमें जो इसके स्पोरुलेशन है स्पोरुलेशन के रूप में ये माइसीलियम है जो सेपरेट होता है और इस तरीके से ये इसका कुंडिया है मैच्योर कुंडिया जो ओवल टू ओब्लॉन्ग एलॉन्गेटेड होता है सेंट्रेट होता है। इसके बाद इस कुंडियोफोर है जो इलेज एलॉन्गेटेड होता है
ऊपर कॉर्निया बनता है, ठीक है, ये इलेक्ट होता है, ट्यूबुलर होता है, इलॉन्गेटेड होता है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन ब्लैक बोर्ड पर मैंने बना दिया, इसको आप नोट कर लीजिए या बुक से लेकर के इसका फुडिंग बॉडी या सॉल्यूशन आप ड्रॉ कर लीजिएगा। लास्ट टॉपिक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम कैसे करें, मैनेजमेंट मीन्स कंट्रोल मीटर। इन कंट्रोल मीटर फर्स्ट पॉइंट कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल में फर्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड ट्विग्स। जो इनके इन्फेक्टेड ट्विग्स हैं उसको रिमूव कर दिया जाए, रिमूव करके डिस्ट्रॉय आउट ऑफ फील्ड, फील्ड बाहर फेंक दिया जाए। सेकेंड, यूज ऑफ सोल्यूशन विथ FeSO4 एट द रेट ऑफ 3% फॉर हाफ आवर बिफोर प्लांटिंग। मीन्स जो इसको हम सोइंग करने के लिए जो हम कटिंग इस्तेमाल करते हैं उस कटिंग को FeSO4 के 3% सोल्यूशन में सोइंग के पहले डिप करते हैं आधे घंटे के लिए, फिर उसके बाद निकालते हैं, इसके बाद हम सोइंग करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल कंट्रोल मीजर्स। केमिकल कंट्रोल मीजर्स के अंतर्गत यूज ऑफ बॉडी ऑफ नेचर विथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एट द रेट ऑफ 0.2% और कार्बेंडाजिम एट द रेट ऑफ 0.1%, दे आर गुड इफेक्टिव कंट्रोल फॉर द एंथ्रेक्नोज ऑफ ग्रेप वाइन। नेक्स्ट है यूज ऑफ रेसिस्टेंट वैरायटी। द रेसिस्टेंट वैरायटी लाइक बेंगलोर ब्लू, देन गोल्डन मस्कर, then golden queen and isabella etc. is a most preventive control measures. Then let me complete my lecture topic. Then next time फिर हम आपसे मिलेंगे। I think सारे student इसको watch करें, watch करने के बाद जो भी सारा इसके स्पेसिफिक्स जो पॉइंट आउट है उसको आप नोट करें, नोट करने के बाद आप इसको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें। मंडे को फिर हम आप मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।